हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के आज के इस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आपके साथ जो हमारी ये बात हो रही है ये मासिक राशिफल को लेकर के हो रही है और ये मासिक राशिफल है अप्रैल 2021 से संबंधित। और हम जो राशिफल के विषय में आपसे बात करने जा रहे हैं उससे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ये जो राशिफल है ये आपके लगन पर आधारित है, लगन राशि पर, यानी कि आपके कुंडली में हॉरोस्कोप में जो जन्म पत्रिका है उसमें जो चार्ट में पहला भाव होता है जिसको लगन भाव कहते हैं वहाँ पर जो संख्या लिखी है, जो नंबर लिखा है, उसी राशि से ही आपने ये सुनना है। अगर वहाँ पर मान लीजिए 12 लिखा है तो आपकी मीन लगन हो गया, तो आपने मीन लगन की, मीन राशि की आपने सुनना है। तो अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये मीन लगन के जो जातक हैं उन्हीं के राशिफल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं और सर्वप्रथम हम आपके व्यवसाय की चर्चा करते हैं कि व्यवसाय इस माह आपका कैसा जाने वाला है, व्यवसाय को लेकर के कोई परेशानियां तो नहीं आने वाली हैं, और अंत में आपको उपाय भी देंगे, बहुत छोटे और सरल उपाय देंगे। अगर आप उनको करेंगे तो इस माह जो आने वाली ग्रहों के द्वारा परेशानियां हैं उसमें निरंतर आपको कमी का एहसास होगा और आपको सुकून प्राप्त होगा और आप अपने कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे सफलतापूर्वक। तो देखिए जहां तक व्यवसाय का प्रश्न है तो बताना चाहते हैं कि 1 अप्रैल से और 13 अप्रैल तक आपका जो भाग्य है उसका आपको पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होने वाला है। अब क्योंकि भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा तो आपको अपने कार्यों में, अपने व्यवसाय में भी चीजें जो परेशानियां हैं उनमें भी थोड़ा कमी आएगी। आपको अपने कार्यों से संबंधित थोड़ा लंबी दूरी की भी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और वो जो यात्रा आप करेंगे किसी ना किसी रूप से, अगर आप धार्मिक यात्राएं करेंगे तो वो भी आपके लिए काफी हितकर रहेंगी, और अपने कार्य से संबंधित यात्रा करेंगे वो भी आपके लिए हितकर रहेंगी। 13 अप्रैल को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो राशि परिवर्तन करके जाएंगे मिथुन राशि में यानी कि जेमिनी में। 13 तारीख से लेकर के अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच में जो ये समय होगा इसमें थोड़ा सा आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी, उनमें वृद्धि होगी, चुनौतियों में वृद्धि होगी आपके कार्य क्षेत्र में। लेकिन आपने बिल्कुल नहीं घबराना क्योंकि सूर्य भी 13 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य क्योंकि 1 अप्रैल से बैठे हुए हैं आपके लगन भाव में तो आपका जो बुद्धि के बल पर आप काफी कुछ आगे बढ़ेंगे। 13 अप्रैल तक तो बहुत ही ज्यादा हर तरीके से चारों तरफा आपको लाभ है, आपका मान सम्मान में भी वृद्धि है। 13 अप्रैल को मंगल भी अपनी राशि परिवर्तन करेंगे जैसा मैंने कहा और सूर्य भी करेंगे, सूर्य जाएंगे मेष राशि में उच्च की अवस्था में, तो वो भी स्थिति काफी अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा चुनौतियां बढ़ जाएंगी बस 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में, थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी या कह सकते हैं काम का बर्डन आपके ऊपर बढ़ जाए, कुछ जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाएं, तो उनको देख करके आपने घबराना नहीं है, उसे उन परिस्थितियों में उनका डट करके मुकाबला करना है। क्योंकि 1 तारीख से 13 तारीख के बीच में आपका जो पराक्रम है उसमें कमी रहेगी, बाकी चीजों में तो सब आपके लिए लाभकारी है लेकिन पराक्रम में कमी महसूस होगी। लेकिन 13 तारीख से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, तो जो परेशानियां आएंगी भी 13 तारीख से वो आप अपने पराक्रम के बल पर उनको उनसे निवट लेंगे। अवनति का कोई योग दिखाई नहीं दे रहा है दूर दूर तक, परेशानियां जरूर हमने आपसे कहा है, चुनौतियां कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें आपका डिमोशन हो जाए या आपको कोई बहुत भारी लॉस हो जाए, इस प्रकार का कोई योग ग्रहों का द्वारा नहीं है मीन लगन के जातकों का इस महाप्रेल में। अब आपसे चर्चा करेंगे आपके वित्तीय स्थिति के विषय में। वित्तीय स्थिति की बात करें जहां तक, तो देखिए शनि अपने घर के स्वामी होकर के आए घर में बैठे हुए हैं इनकम के घर में, तो इनकम आपको वो कंटिन्यू कराते रहेंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी, सामान्य रूप से आपकी जो इनकम है वो चलती रहेगी। और
13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी होने वाली है। कहीं आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग बना रहे हैं, अपना कहीं निवेश करना चाहते हैं, हालांकि हम यही कहेंगे कि एक्सपर्ट की राय जरूर लें, लेकिन आपका निवेश सही जगह पर होगा अगर आप करना चाहते हैं। ये बड़ा उत्तम समय है 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल के बीच का। ये जो आप इस अवधि में इन्वेस्ट करेंगे वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, बहुत अच्छा लाभ देकर जाएगा आपको इन द लॉन्ग रन, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। अब आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपके सुखों में थोड़ी सी कमी आप महसूस करेंगे, सुखों में थोड़ा सा, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, भाग दौड़ अधिक रहेगी, तो उस कारण सुखों में आपके कमी रहेगी। आगे अब हम चर्चा करेंगे आपसे प्रेम संबंधों के विषय में, वैवाहिक संबंधों के विषय में। तो देखिए, जहां तक प्रेम संबंधों का प्रश्न है, तो प्रेम संबंधों को लेकर के तो ग्रह जो है बिल्कुल अनुमति नहीं दे रहे हैं इस माह, तो हम आपको यही सुझाव देंगे कि क्योंकि ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, तो अगर ऐसा कोई आपके दिमाग में कोई योजना चल रही है कि आगे कुछ प्रयास करें या कुछ आगे एफर्ट करें, तो वो आपके एक तरीके से एफर्ट जो है वो उनका कोई परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा, कोई अच्छा परिणाम सकारात्मक। तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कार्य पर ही फोकस करें, सारी चीज़ों से, इधर की चीज़ों से ध्यान हटा करके उधर ही लगाएं, क्योंकि जब भी इस प्रकार ग्रहों का इशारा होता है तो हम आपको बता दिया करते हैं, चाहे वो किसी भी राशि के जातक हों। तो इस प्रकार अब जहां तक वैवाहिक संबंधों का प्रश्न है, तो देखिए वैवाहिक संबंध जो है माह के आरंभ से और माह के मध्य तक तो सामान्य रहेंगे, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक जो संबंध है उनमें थोड़ी सी तलखी आएगी, संबंधों में थोड़ी कमी महसूस करेंगे आप अपने वैवाहिक संबंधों में महामध्य से माह के अंत के बीच में। परिवार के साथ संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, पूरे माह बहुत ही अच्छे संबंध रहेंगे, आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे पूरे माह, सभी के साथ बहुत अच्छा रखेंगे अपना व्यवहार, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, उसी के कारण आपके साथ सबके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंधों में वैचारिक मतभेद होने के कारण वैवाहिक सुखों में कुछ कमी का आपको एहसास होगा। छात्र लोग जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए अनुकूल समय नहीं है, उनको हम कुछ उपाय भी बताएंगे अंत में राशिफल के, वो उपाय अवश्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ प्राप्त करेंगे। कौन से वो उपाय हैं? तो आपको अधिक परिश्रम की आवश्यकता होगी, अधिक से अधिक, तब जाकर के कहीं सामान्य या उससे नीचे के परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। बहुत अधिक परिश्रम की छात्रों को आवश्यकता है, मीन लगन के जो छात्र हैं। संतान को लेकर के भी हम कुछ इस प्रकार का ही आपको संकेत देना चाहते हैं कि माता पिता जो हैं अपनी संतान से उनको पूर्ण रूप से सहयोग प्यार नहीं प्राप्त हो पाएगा, संतान की तरफ से थोड़ा चिंताएं बनेंगी आपको माता पिता को, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस से थोड़ा आप क्षुब्ध हो सकते हैं, परफॉर्मेंस आपको अच्छी ना लगे इस कारण भी आप थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, माता पिताओं से हमारा ये कहना है। तो ये माह जो है छात्रों के लिए और संतान के लिए कुछ ज़्यादा सकारात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए स्वास्थ्य आपको बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा कमी आएगी 13 अप्रैल तक, 1 अप्रैल से लेके, लेकिन जो कमी आएगी ना उसको गुरु बृहस्पति आराम से संभाल लेंगे, यानी कि छोट-मोट समस्याएं आएंगी तो सुधर भी जाएंगी। और उसके बाद 13 अप्रैल से तो स्वास्थ्य में निरंतर सुधार होगा, आपको देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य आपका सामान्य से ऊपर रहेगा। तो ये थी मीन राशि के जातकों का राशिफल। अब हम अंत में आपसे बताएंगे उपाय, कौन से उपाय करें। पहले तो हम छात्रों को बताएंगे, क्योंकि छात्रों को लेकर के कुछ ज़्यादा पॉजिटिव ग्रहों की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, तो छात्र लोग क्या करें। देखिए छात्र लोगों को करना ये है कि सबसे पहले माँ सरस्वती जी की पूजा आपने करनी है प्रतिदिन। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का 108 बार छात्र लोग नित्य प्रतिदिन जाप करें।
माँ सरस्वती जी की फोटो लगा करके, और पूरब की ओर मुख करके, जिस टेबल पर भी आप पढ़ाई पढ़ते हैं आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए और सामने माँ सरस्वती जी का चित्र होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब मंगल के क्या उपाय हैं? मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, और जलाने के साथ साथ उनको मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान में बूंदी या बेसन के लड्डू हो सकते हैं, उनका आप भोग लगाएं। और भोग लगाने के साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो सिंदूर का चोला भी उन्हें चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा या हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, और अंत में आरती से पूजा अपनी संपन्न करें प्रत्येक मंगलवार। जो स्त्रियां हैं वो क्या करें मंगल का उपाय? वो सिर्फ कुछ ना करें, इतना करें कि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकती हैं या अर्गला स्तोत्र का पाठ, अर्गला स्तोत्र जो दुर्गा सप्तशती में होता है, ये उनको प्रतिदिन करना है महिलाओं को। और बुधवार के दिन क्या करना है? बुधवार के दिन जा करके गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं, सबसे उत्तम उपाय। और शुक्रवार के दिन दो रोटियों पर देसी घी रखें, थोड़ी सफ़ेद चीनी, मतलब चीनी रख लें या सफ़ेद मिठाई रख लें, और अपने हाथों से गौ माता को खिलाएं। ये हो गए आपके उपाय। अगर आप ये उपाय करते रहेंगे पूरे माह, निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का पता भी नहीं लगेगा, आजू बाजू निकल जाएंगी और आपको इन सभी उपायों से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। तो ये था मीन राशि के और मीन लगन के जो जातक हैं उनका राशिफल। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।